गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, माई सेल्फ शशि चौहान फ्रॉम हैप्पी कैमरी स्कूल। बच्चे आज हम ये 13 चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है क्रिया शब्दा, अर्थात क्रिया काम होना। अब बच्चे आप इसमें देख रहे हो कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है, जैसे कि शेर जो है वो दहाड़ रहा है, कुम्हार बर्तन बना रहा है, तो कुछ ना कुछ क्रिया हो ही रही है। तो चैप्टर का नाम भी क्रिया है, तो कुछ ना कुछ काम किया ही जा रहा है। अब इसमें देखो, गरजती, ये बच्चे एक वचन है, इसका अर्थ होता है गरजता है। गरजती एक वचन, गरजता द्विवचन हो जाता है, और गर्जंती बहुवचन में आ जाता है। अब इसमें आप देख रहे हो एक वचन एक, द्विवचन द्वि का अर्थ दो होता है, दो वचन, और बहु का बहुत सारे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं ना, काफ़ी सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, और यहाँ पर आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक ही दिखाई दे रहा है, एक शेर दिखाई दे रहा है। तो गरजती, अगर यहाँ पर द्विवचन होता तो बच्चे यहाँ पर आ जाता गरजता, विसर्ग आता, जैसे इसमें आया हुआ है, ये आपका द्विवचन आया हुआ है। रचयिता यानी दो बनाते हैं, इसका अर्थ होता है बनाना, दो बनाते हैं। नृत्यंती बहुवचन आ गया है, तो सब नाचते हैं, यहाँ सब की जगह हम बहुत भी लिख सकते हैं, अनेक भी लिख सकते हैं। सब लिखोगे वो भी ठीक है, अनेक लिखोगे वो भी ठीक है, और बहुत लिखोगे वो भी ठीक है। सब नाचते हैं, बहुत नाचते हैं, या अनेक नाचते हैं, ये बहुवचन में नृत्यंती। अगर नृत्यति आता वो एक वचन होता, नृत्यते आता, जैसे इसमें विसर्ग आया हुआ है इस तरह से नृत्यता, तो वो द्विवचन, पर यहाँ पर बहुवचन है तो सब नाचते हैं। आगे है, जैसे यहाँ पर आया है नृत्यति, ये देखो बच्चे यहाँ पर बहुवचन नृत्यंती, यहाँ पर नृत्यति एक वचन, तो नाचता है, यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं एक, तो नाचता है। इसी तरह खादता, दो खाते हैं, ये द्विवचन यानी कि दो के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है चलंती, अब पहिए दिखाई दे रहे हैं, चलंती बहुवचन, एक होता है चलती, वो एक वचन में आता है, चलता वो द्विवचन में, चलंती बहुवचन में, सब चलते हैं। आप ये देख रहे हो आप पहिए, ये पहिए क्या चल रहे हैं, चल रहे हैं, तो सब चलते हैं, या अनेक चलते हैं, या बहुत चलते हैं। इसके बाद आता है पतित्री, गिरता है, अब क्या गिर रहा है यहाँ, एक पत्ता गिर रहा है, एक वचन, तो गिरता है। नेक्स्ट है, अब आप देख रहे हो ये जो है द्विवचन का आया हुआ है, यहाँ पर दो दिखाई दे रहे हैं आपको, इसमें एक वचन, एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें ये बहुवचन का है, तो बहुवचन बहुत सारे। लिखता, दो लिखते हैं, एक होता है लिखती, वो एक वचन में आता है, लिखता दो द्विवचन में, दो लिखते हैं, हिंदी हम लिखेंगे ऐसे, और लिखंती बहुवचन में, सब लिखते हैं। आगे है पचंती, सब पकाती है, या अनेक पकाती है, या बहुत पकाती है, ठीक है। ये बच्चे आपको रीड करना है और अपनी नोटबुक में ये कार्य करना है, आपको संस्कृत की नोटबुक में आज की डेट डाल के सुंदर राइटिंग में, चैप्टर 13 क्रिया शब्द। तो क्रिया का अर्थ होता है काम होना, तो कुछ ना कुछ काम हो ही रहा है, यहाँ पर सेब दहाड़ रहा है, यहाँ पर कुम्हार बर्तन बना रहा है, तो यहाँ पर नाच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्रिया हो ही रही है ना बच्चे, ये आपको सारा करना है बच्चे। पेज नंबर 57 पे आ जाओ। कुर्दती, कूदता है, ये बच्चा देख रहे हो एक वचन है, तो कूद रहा है। नृत्यता, दो नाचते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है द्विवचन है, दो। पठंती, सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे हैं।
दो से ज़्यादा जो हो जाता है बच्चे वो बहुवचन में आ जाता है। जैसे दो यहाँ पर आया हुआ है, तो अगर दो से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है तो वो बहुवचन में आएगी। चलती, एक आपका आया था, मैंने यहाँ पर देखा था चलंती आया था, ये बहुवचन है। अब यहाँ देखो चलती आया हुआ है, ये एक वचन चलती है। बच्चे यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं दे रखा, पर यहाँ जो पिक्चर बनी हुई है वो एक लड़की की है, तो हमने यहाँ लिख दिया चलती है। अगर यहाँ पर कोई पिक्चर नहीं होता और खाली ये आता चलती, तो हम ये लिख देते यहाँ पर चलता है या चलती है, दोनों ही ठीक होता। पर यहाँ कोई पिक्चर दे रखी है तो इसका अर्थ हो जाएगा चलती है, एक लड़की की है। एक लड़का का पिक्चर दी होती तो चलता है, अगर कोई पिक्चर नहीं होती सिर्फ ये होता चलती, तो चलता है और चलती है दोनों लिख सकते हैं हम। अब आते हैं चलता, दो चलते हैं। अब हाथी दिखाई दे रहे हैं, द्विवचन है ये बच्चे, दो चलते हैं। पिबंती, अब दो से ज़्यादा चीज़ें हो जाए तो वो बहुवचन में आ जाती है, पिबंती सब पीते हैं। एक होता है पिबती एक वचन, पिबता है द्विवचन, पिबंती बहुवचन, बहुत पीते हैं, सब पीते हैं या अनेक पीते हैं। क्रीड़ति, खेलता है एक वचन है ये। पतत, दो गिरते हैं, अब देख रहे हो आप बच्चे घोड़े पे से ये गिर रहे हैं, तो दो गिरते हैं, पतत गिरना। तरंती, सब तैरते हैं, ये बहुवचन है आपका। तो बच्चे जो क्रिया शब्द है जिसमें क्रिया हो रही है, इस चैप्टर में काम हो रहा है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो बच्चे तो ये क्रिया शब्द कहलाते हैं। आपका बच्चे कार्य यही है कि इस चैप्टर को रीड करना है और ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसी तरीके से लिखना है, और एक एक लाइन छोड़कर लिखोगे सुंदर राइटिंग में, ठीक है। पेज नंबर 56 है अपनी बुक में से ही करोगे, और 57 है, और एक वचन और द्विवचन और बहुवचन बच्चे ये लिखकर इनको रीड भी करोगे और संस्कृत की नोटबुक में ये कार्य भी करोगे, और बच्चे अपनी नोटबुक स्कूल में चेकिंग के लिए पहुँचाओगे। थैंक यू।